वेलकम बैक स्टूडेंट टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में मेनली हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े थे, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखें कि कंगुरेंस क्या होता है, बेसिक से पूरा जो जहाँ तक हमको पढ़ना था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। सेकेंड जो लेक्चर था उसमें हम लोग प्रूफ देखें। थर्ड जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या चीज़? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। वो ट्रायंगल जिसका दो साइड और दो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, उसके बारे में। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आता है। हम लोग ऑफकोर्स दो तीन प्रॉपर्टी हम लोग पिछले ही लेक्चर में यानी कि सिक्स चैप्टर जो था उसी में देख चुके हैं, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि जो तीनों एंगल होता है ट्रायंगल का उस सबको जोड़ दिया जाता है तो 180 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का वो इंटीरियर टू के अपोजिट के इक्वल होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो दिखाता है, वो बोलता है कि एंगल, ठीक है, जो अपोजिट हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, अपोजिट मतलब सामने, अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल का आर इक्वल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास अगर कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसमें, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी, तो उसमें जो एंगल है, एंगल्स किसके अपोजिट टू इक्वल साइड, मान लीजिए ए बी और ए सी, हम यहाँ इक्वल है, ए बी सी एक ट्रायंगल जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, तो उस कंडीशन में ये बोलता है कि इसके अपोजिट वाला एंगल, जैसे ए सी के अपोजिट एंगल कौन होगा बी, और ए बी के अपोजिट कौन होगा सी, तो बोलता है कि वो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि अगर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उस कंडीशन में जो अपोजिट साइड के अपोजिट वाला जो एंगल है, इसके सामने ये, वो बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है। बहुत तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, एक दो तरीके से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ और सीखना है कि कभी भी हम लोग को अगर ज़रूरत हो और एक ही फिगर से काम नहीं चले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्शन कुछ हो सकता है, जैसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ किए थे तो याद हो आपको, तो एक बार इसको एक्सटेंड किए थे, नहीं तो एक बार ऊपर में एक पैरेलल लाइन बना दिए थे। उसी तरह से यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन खींचेंगे हम लोग ए से और बी सी पे डी तक, जिस जो एक ऐसा लाइन होगा जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये और ये बराबर कर देगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग प्रूफ क्या करने वाले हैं, तो प्रूफ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तभी ना बोला इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ये हमको पहले से इन्फॉर्मेशन है। ठीक, और हम लोग एक कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं कि ड्रॉ किए हैं ए डी बाइसेक्टिंग एंगल ए, विच बाइसेक्ट, ऐसे लिए विच बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो भाग में बांट रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 60 होगा तो ये 30 और ये 30, मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बेड इक्वल टू एंगल सी ए डी कैट, बेड और कैट बराबर हो, ये कहने का मतलब है। तो दूसरा चीज़ हमको मिला। अब देखिए, अगर देखिए यहाँ पे आप कंकुरेंस पढ़ना आपको जरूरी है, कंकुरेंसी का सारे क्राइटेरिया याद होना चाहिए और सी पी सी टी सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कंकुरेंसी का ये नहीं समझिए क्या कि सिर्फ क्वेश्चन में ही यूज होगा, आगे जितना प्रूफ सब है वो सब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जहाँ जाइएगा वहाँ ट्रायंगल का यूज होगा ही। ठीक है, सब कुछ में। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि बी और सी के बराबर है। अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंकुरेंट प्रूफ कर दें तो आराम से, जब ये कंकुरेंट हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस दोनों का ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है ये कंकुरेंट एंगल का, सी पी सी टी जिसको आप बोलते हैं। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। हम लोग के पास दो इन्फॉर्मेशन तो आ गया कि ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, एक और आया था क्योंकि हम लोग को मिनिमम तीन कंडीशन चाहिए ट्रायंगल को कंकुरेंट करने के लिए, तो हाँ वो तो है, ये नहीं है क्या, हाँ है। तो हम लोग के पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि ए डी ए डी के बराबर है क्योंकि कॉमन है, किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में और ट्रायंगल ए सी डी में। तो बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी क्या क्या कॉमन है, तो ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए डी के बराबर है कॉमन होने के कारण, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये हमको दिया ही हुआ है कि इक्वल साइड है, और हम लोग बाई कंस्ट्रक्शन क्या लिखे हैं कि बैड जो है वो कैड के यानी बी ए डी किसके बराबर है, सी ए डी के, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन या थ्रू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करके। तो आराम से जो ट्रायंगल है कौन चीज बी ए डी वो कंगुरेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ए डी के,
किस क्राइटेरिया से? देखिए एस ए एस साइड एंगल, फिर से साइड, ये साइड है ना, इसमें इसमें भी है साइड एंगल साइड, ठीक यही क्राइटेरिया से हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हम सही लिखे हैं या गलत, ये चीज़ को बैड है, इसमें क्या बी और सी के बीच में कोई रिलेशन है, वही चीज़ चेक करना है हम लोग को। ए बी ए सी, तो ए बी और ए सी सही है, ठीक है, और बैड क्या एंगल, तो हाँ सब कुछ ठीक है। तो अब हम लोग जब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं शो बाई सी पी सी टी से कि क्या एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। यही हमको प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल जो होता है किसके, साइड के, इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है, वो हम लोग प्रूफ कर लिए। एक दूसरा भी तरीका है और सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग। ये हमारे पास ट्रायंगल है, अगेन सब कुछ कंडीशन वही है, बस हम लोग एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन इस बार इसको बाइसेक्ट नहीं करेंगे, आपको मन में हो कि बाइसेक्ट क्यों करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे इसके, ठीक है। तो इस बार हमारा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है, ये चीज़ सब कुछ वही है कि ए बी ए बी के बराबर है। ये जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक। तो चलिए वही चीज़ है, तो अभी भी हमको क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हम लोग वही हेल्प लेंगे कॉन्फिडेंस का। तो देख लेंगे इंटर एंगल ए बी, ए बी डी एंड ए सी डी, अगेन ए बी डी और ए सी डी में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है गिवन इक्वल साइड से दोनों। ए डी जो है वो ए डी के बराबर है, क्यों, अगेन उसका भी हम लोग को पता है कि कॉमन है। और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नियम की है 90 डिग्री। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट ए डी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बनाना है जो किसके परपेंडिकुलर हो, बी सी के, ठीक कर लिया, तो ये हो गया। अब अगेन अब देखिए कौन क्राइटेरिया यहाँ फॉलो हो रहा है, तो ये राइट एंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल, राइट एंगल में राइट है यानी आर है, हाइपोटेनस भी है इसके सामने वाला, हाइपोटेनस होता है वही बराबर एक साइड भी है, तो लिख सकते हैं बाय आरएचएस, आरएचएस से कि बी ए डी ट्रायंगल बी ए डी ये कंग्रुएंट है इसके ट्रायंगल सी ए डी के, और जब बी ए डी कंग्रुएंट है ट्रायंगल सी के, तो आराम से शो या हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूफ हो गया। तो दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, इसके अपोजिट भी है, ठीक है, इसका कन्वर्स आपको बुक में लिखा होगा, कन्वर्स, कन्वर्स मतलब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट थ्योरम के रूप में पढ़ सकते हैं, थ्योरम टू, थ्योरम क्या है, वो ऐसा चीज जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करे, तो थ्योरम टू, थ्योरम टू क्या कहता है, थ्योरम टू कहता है कि अगर एंगल अपोजिट, एंगल जो है वो इक्वल है, मान लीजिए इसका अपोजिट क्या होता है, कन्वर्स, कि अगर हमारे पास बी और सी इक्वल है, तो इसके कहने का मतलब है कि भैया बी और सी जब इक्वल है तो बी के सामने वाला ए सी और सी के सामने वाला ए बी बराबर हुआ, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसका पहले हम लिख लेते हैं कि इफ टू एंगल्स, ठीक है, दो एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दो एंगल ट्रायंगल का इक्वल है, देन साइड्स अपोजिट टू, वो जो साइड है किसके अपोजिट, अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वो साइड भी बराबर होगा। मतलब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक, ये चीज़ ये गिवन है। कैसे करेंगे, फिर से आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आप बाइसेक्टर वाला करें, ठीक है, वो भी सही चलेगा, और नहीं तो आप परपेंडिकुलर भी करेंगे तब भी सही चलेगा। हम अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बाइसेक्टर वाला से कर लेते हैं, बाइसेक्टर में ये और ये बराबर हो जाते हैं, तो देखिए ए एस हो गया क्या, ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है और ये साइड तो है ही कॉमन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटर एंगल ए बी, ये डी है, इंटर एंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन ही है, ठीक है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, कैसे, ये एंगल ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ही वैसे किए हैं, ऊपर में लिख ही दिया हुआ है, एक और मन हो आपको लिख दीजिएगा। और थर्ड चीज़ कि ए डी जो है वो ए डी के ही बराबर है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, तो जहाँ ये कॉमन है तो अगेन हमको बाय ए ए एस क्या हो गया, ट्रायंगल बी ए डी कंग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी ए डी के, और जहाँ ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो क्या इसके ए बी और इसका सी ए बराबर हो गया, हाँ, सो हेंस ए बी इक्वल टू सी ए, ठीक है, किससे, ए बी और सी ए बराबर हो गया बाय सी पी सी टी, और यही प्रूफ करना था, चलिए हो गया। तो इसका कन्वर्स भी कर सकते हैं कि अगर अपोजिट एंगल, मतलब एंगल इक्वल हो तो इसके अपोजिट वाला साइड बराबर होता है,
ठीक, ये तो हुआ इक्वालिटी का बात। और अगर क्या हो, साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होता है, और एंगल बराबर हो तो उसके अपोजिट साइड बराबर होता है। दोनों चीज़ देख लिए, प्रूफ भी देख लिए। अब हम लोग थोड़ा इक्वालिटी में बहुत घूमे, थोड़ा सा अनइक्वालिटी पे जाते हैं। मतलब एक साइड अगर ज़्यादा बड़ा हो, एक साइड छोटा हो, तो किस साइड होगा वो पढ़ते हैं। तो हम लोग थर्ड रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए एक ट्रायंगल है मान लीजिए, अब उसमें ये दोनों एंगल रिलेटिव है, मान लीजिए ये बड़ा है ठीक, और ये उससे छोटा है, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे। तो इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए इसके सामने वाला साइड ये है, ये नाम है इसका ए बी सी, ठीक है, इसके सामने का साइड ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस साइड को ए सी को छोटा कर रहे हैं, तो ए सी को छोटा मान लीजिए यहाँ तक ये, तो यानी अब ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये चाहिए ए सी डैश होगी। तो अब देखिए, जहाँ आप साइड को छोटा किए तो एंगल भी क्या हो गया, छोटा। एंगल अब इतना ही रहा ना, और छोटा कर रहे हैं, मान लीजिए अब सी डैश पे आ गए, तो अब एंगल कितना हो गया, और छोटा। जहाँ से आप रिलेशन समझ रहे हैं, एंगल और साइड का लेंथ, जो साइड होता है, लेंथ होता है साइड का, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एंगल छोटा तो लेंथ भी छोटा, ठीक है, और अगर साइड छोटा तो एंगल भी छोटा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। और एंगल बड़ा, ये बड़ा, अब देखिए इसको मान लीजिए बढ़ा रहे हैं हम सी को यहाँ तक लेके, साइड को बड़ा कर रहे हैं, सी यहाँ तक लेके बाहर में सी डैश, तो अब देखिए एंगल कितना बड़ा हो जाएगा, एंगल अब इतना बड़ा हो गया। तो मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो एंगल्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइड का, मतलब साइड जितना बड़ा एंगल भी उतना ही बड़ा, ठीक है। तो यही चीज़ को दो थ्योरम के रूप में बोला जाता है कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, ठीक है, अपोजिट टू, अब ये किसी दो एंगल के लिए भी लागू है, इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपको छोटा लग रहा है तो इसके सामने का जो साइड है वो भी छोटा है, दिख ही रहा है आपको, देखने से भी लग रहा है, वैसे देखने से नहीं, मैथमेटिकली होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो ये क्या होगा, ये बड़ा, ठीक है। और ऑफकोर्स ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसके सामने का साइड भी देखिए बहुत बड़ा है। तो ये बोलता है कि एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर इन ए गिवन ट्रायंगल, ठीक है, इज लार्जर इन ए गिवन ट्रायंगल। और इसका उल्टा भी सही है कि साइड, ये तो एंगल का बात हुआ, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, और अगर साइड ही लार्जर हो तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, लार्जर, ठीक है। तो बोल सकते हैं साइड्स अपोजिट टू लार्जर एंगल, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, मतलब एंगल ही जब बड़ा हो, ठीक है, तो उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा। इसको प्रूफ किया जा सकता है सिंपली बाय यूज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि मैंने आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में थोड़ा सा बताया हुआ है, पर इसके प्रूफ का ज़्यादा जरूरत है नहीं। आप विजुअलाइजेशन, एक क्लियर विजुअलाइजेशन देख सकते हैं कि साइड जैसे जैसे छोटा हो रहा है तो एंगल भी छोटा हो रहा है, साइड जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो एंगल भी बड़ा हो रहा है। तो विजुअलाइजेशन आपको हो ही रहा है, फिर भी आपको अगर मन है कि नहीं हमको इसको प्रूफ करना है, तो आपको कंट्राडिक्शन से मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपको अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ, आप खुद भी कीजिएगा तो हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी है, इसमें एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से, ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी जब बड़ा है तो इसके सामने का साइड ए सी जो है वो भी ग्रेटर होगा किससे, ए बी से, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। आप ये चीज़ नहीं मानेंगे, एक बार हम मान लेंगे, इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे नहीं ए सी बड़ा नहीं है ए बी से, तो दो केस हो सकता है, या तो ए सी ए बी के बराबर होगा, या तो ए सी छोटा होगा ए बी से। अब ए सी ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए सी और ए बी बराबर हो जाएगा तब कहने का क्या फ़ायदा कि बी और सी, बी बड़ा है छोटे सी से, ये तो दिया हुआ है साफ साफ कि बी बड़ा है सी से, मतलब इक्वल तो नहीं है। और दूसरा कंडीशन में जब हम लोग बोल देंगे, ठीक है, कि पहला चीज़ यानी फिल हो गया, हम जो माने थे कि ए सी जो है वो बड़ा नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन में यही करते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं, पहले कोई चीज़ मान लेते हैं और वही चीज़ बाद में गलत हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका प्रूफ लाऊंगा। तो मान लीजिए कि हम लोग इसका एक बार मान लिए कि नहीं ए सी जो है वो बराबर है ए बी के, ठीक है, ये हम लोग एज्यूम किए यानी माने, ठीक है, पर ये नहीं हो सकता, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है भैया? तो ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है नहीं, और ये अगर है तो इसके हिसाब से तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वहीं पर है कि साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हम लोग मानेंगे कि जब ये दोनों नहीं है, तो दूसरा केस होता है कि ए सी से बड़ा ए बी है, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि एंगल बी से बड़ा एंगल सी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम जो माने थे, क्या माने थे, कि ये दोनों, ये रिलेशन सही नहीं है, वो हम जो माने थे वो गलत है, ठीक है, ये सब गलत आ रहा है ना, तो यानी हम जो माने थे वही गलत है। क्या माने थे, कि एसी बड़ा नहीं है, मतलब क्या मानने से सब कुछ सही हो जाएगा कि एसी बड़ा है, तो वही चीज़ ऐसा ही प्रूफ कर सकते हैं, पर उस पर टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, विजुअलाइजेशन जब हो ही रहा है तो इसमें क्या चाहिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस पे,
इन इक्वालिटी, बहुत देर इक्वालिटी की बात की, इन इक्वालिटी इन ट्रेंगल, और इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इन इक्वालिटी इन अ ट्रेंगल। इन इक्वालिटी एंड ट्रेंगल का दो स्टेटमेंट है, वैसे मैं एक फेमस है ज़्यादा। इन इक्वालिटी क्या कहता है, इन इक्वालिटी कहता है कि कोई भी जो ट्रेंगल बना हुआ है ना, कोई भी ट्रेंगल, आप इसको बचपन से भी पढ़े हुए, इन इक्वालिटी कहता है कि किसी भी दो ट्रेंगल, किसी भी एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में किसी भी दो साइड को जोड़ दो, मान लीजिए ए बी सी है, इसका ये टू है, ये फोर है, और ये क्या है, फाइव, तो किसी भी दो साइड को जोड़ दो, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, तीसरे साइड से। जैसे यहाँ टू प्लस फोर सिक्स आया, फाइव से बड़ा है, टू प्लस फाइव सेवन आया, फाइव से बड़ा है, फाइव प्लस फोर नाइन आया, टू से बड़ा है, यही चीज़ कहता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, पर आपके ऑफकोर्स यहाँ हमको जरूरत है नहीं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका हम लोगों को बहुत सेवन पॉइंट आपका फोर एक्सरसाइज जो है उसमें यही होगा, छः सात क्वेश्चन। अगेन उसमें एक्सरसाइज में बच्चों को दिक्कत होता है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बनता इसी पे है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा भी देता हूँ। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल सिंपली कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लार्जर देन थर्ड साइड, और ये एक तरह से बोल सकते हैं डिफिनीशन है ट्रायंगल का, अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इससे क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ ऐसा रहता टू फोर और ये साइड सिक्स रहता, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी फॉलो नहीं हो रहा है। ट्रायंगल बन रहा है मतलब इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है, मतलब दो साइड का जो सम है वो बड़ा हो रहा है किसे, थर्ड से, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, और सभी में मतलब इसको इसको जोड़ेंगे तो तीसरा से, इसको इसको जोड़ेंगे तो इससे, इसको इसको जोड़ेंगे तो इससे, तीनों चीज़ मैच करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर हम साइड का मेजरमेंट दे सीधा ए बी सी लेके, तो ए बी प्लस बी सी वो ग्रेटर होगा ए सी से, पहला ये चीज़ बोलता है। एक बोलता है ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये बड़ा होगा ए बी से, ये भी चीज़ इनइक्वालिटी का आता है। तीसरा चीज़ क्या कहता है कि ए बी, ठीक है, प्लस ए सी, ये किसे, ए सी से, ए बी प्लस ए सी बी सी, ये तीनों चीज़ इनइक्वालिटी कहता है। एक और डिफिनीशन है इनइक्वालिटी का, वो क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट, अभी तो सम का बात किए कि सम करेंगे किसी का, तब अब डिफरेंस किया जाए तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स डिफरेंस अगर आप करेंगे तो डिफरेंस छोटा आना चाहिए, दो को जोड़ेंगे दो साइड के लेंथ को तो वो बड़ा आना चाहिए तीसरे से, और डिफरेंस करेंगे तो छोटा आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड, वो हमेशा छोटा होता है थर्ड साइड से, ठीक है। जैसे यही ट्रायंगल जो है ऊपर में, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये नहीं, ये तो बना ही नहीं है, टू और फोर इस दोनों का घटाए तो फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू, टू स्मॉल है फाइव से, ऑफकोर्स टू फाइव से स्मॉल है, फोर और फाइव में से घटा दे वन, ठीक है, वन, वन स्मॉल है टू से, ऑफकोर्स है, फाइव में से टू घटा दे थ्री, थ्री स्मॉल है फोर से, हाँ, मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। अगर एक भी कंडीशन अगर नहीं होता तो ट्रायंगल नहीं बन पाता। इसी से अगर हम इस तरह से लिखे, इसका मतलब रहेगा ए बी माइनस बी सी, ये ग्रेटर नहीं स्मॉलर होगा ए सी से, ठीक है, इसका भी कभी कभी मदद लेंगे, ए सी माइनस बी सी ये क्या होगा, स्मॉलर होगा ए बी से, ठीक है, या ए बी माइनस ए सी स्मॉलर होगा इससे बी सी से, इसका सबका एक अलग स्टेटमेंट भी बन सकता है, इम्प्लाइज बी सी माइनस ए बी स्मॉलर देन ए सी। अब बोलेंगे इसमें भी बन सकता था, पर हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब दो प्लस तीन करें तब भी पाँच होता है, और तीन प्लस दो करें तब भी पाँच, पर इसमें वो केस नहीं है, दो माइनस तीन माइनस वन होगा और तीन माइनस दो एक होगा, इसलिए इसका एक और कंडीशन बन सकता है कि बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए स्मॉलर देन ए बी, और ए सी माइनस ए बी स्मॉलर देन ए सी, ये हो गया इनइक्वालिटी का दोनों केस। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे कि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आपको एक्सरसाइज 7.4 से ही मैं क्वेश्चन लेता हूँ, दो क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एक तो फर्स्ट ही क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज 7.4 का। एक्सरसाइज 7.4 में पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है हम लोग वैसे जानते हैं, पर इसी को प्रूफ करना है, सो दैट इन अ राइट ट्रायंगल, कोई अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये दिखाना हम लोग को। आपको इसमें क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है कि साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज लार्जर, मतलब जो बड़ा एंगल है उसके सामने का जो साइड है वो भी बड़ा होगा। तो इसमें देखिए, मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, तो हेयर ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, तो ए बी सी अगर राइट ट्रायंगल है मतलब एक एंगल 90 होगा, और वो एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल बी पे। तो यहाँ पे हम एक दो चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब बोलेंगे ये क्या कर रहा है, हम लोग को साइड दिखाना है, एंगल से क्या मतलब है, तो साइड और एंगल में भी आप रिलेशन देखें, जितना बड़ा साइड उतना बड़ा एंगल, ये फिगर भूले नहीं ना अभी, ये वाला
ठीक है, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड, वही चीज़ हम लोग करने वाले। अब देखिए बी तो आपको पता ही है, बी कितना है 90, तो 90 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अगर एंगल ए प्लस एंगल सी सिर्फ लिखना चाहे तो ये 90 इधर जाकर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलकर 90 डिग्री है, मतलब जरूर ए और सी 90 से छोटा है, दोनों को मिल के 90 है। अब भले ही ये 89 हो ये 1 हो, पर 90 से तो छोटा है ना, मतलब लार्जेस्ट एंगल कौन है, लार्जेस्ट एंगल इज एंगल बी। अब लार्जेस्ट एंगल बी है तो उससे सामने अभी जो साइड भी होगा वो भी लार्जेस्ट होगा। यहाँ से एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए से, ठीक है, बी बड़ा होगा ना, क्योंकि ए और सी दोनों मिलकर 90 है और बी अकेले 90 है, तो बी बड़ा होगा ए से। बी अगर बड़ा होगा ए से तो बी के सामने का साइड जो कि हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं ए सी, ए सी भी बड़ा होगा किससे, ए के सामने वाला साइड यानी बी सी से। उसी तरह से एंगल बी बड़ा होगा सी से भी, क्योंकि बी अकेले 90 है और यहाँ पे ए और सी दोनों मिलकर 90 है, तो बी बढ़ता है जब 90 से तो बी के सामने का साइड ए सी बड़ा है किससे, ए बी से। तो आप देख रहे हैं ए सी ए बी सी से भी बड़ा है, ए सी ए बी से बड़ा है, तो हैंस ए सी इज द लार्जेस्ट, ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन पता नहीं बच्चे क्यों इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं इस पे और लगता है इतना भारी है। क्वाड्रिलेटरल दिखा है तो क्वाड्रिलेटरल बना किससे रहता है, ट्रायंगल से, तो आपको सिंपल से काम करना है क्या, इसको ट्रायंगल में बांट देना है। और ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल में बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है वो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड है, मतलब ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, सबसे छोटा है। वैसे थोड़ा दिख नहीं रहा है ये ए बी और छोटा है, आपके बुक में अगर अच्छे से फिगर देखिएगा तो कुछ इस तरह का आपका फिगर है, ठीक है। तो अभी उस हिसाब से अगर देखें तो ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है और जो सी डी है वो लार्जेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट ए बी है और सी डी जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, सी बी सी डी लॉन्गेस्ट है, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको दिखाना क्या है कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से, एंगल बी जो है बड़ा है एंगल डी से, ठीक है, ये दिखाना है। अब यहाँ पे तो हम लोग ट्रेंगल में जानते थे ये सब साइड और एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल में होगा क्या, तो क्वाड्रिलेटरल बना किसे, ट्रेंगल से, तो वही चीज़ ट्रेंगल में बांट देते हैं। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्ट किए, क्या चीज़, एक डायगोनल बनाए बी सी, कंस्ट्रक्ट बी सी, या बोल सकते हैं ज्वाइन बी सी, ठीक है, एक डायगोनल हमारे पास बी सी आया। अब क्या हुआ, अब हम नाम दे देते हैं इसको, जैसे इसको नाम देते हैं 1, इसको 2, इसको नाम देते हैं 3 और इसको 4। अब इस दोनों ट्रेंगल में बात करते हैं, दोनों ट्रेंगल में क्यों बात करें, क्योंकि इस ट्रेंगल में बी आ रहा है और इस ट्रेंगल में डी आ रहा है, तो इसीलिए इस ट्रेंगल में बी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वही चीज़ देखते हैं। तो अगर हम ले लें इन ट्रेंगल ए बी सी, अभी ए बी सी कौन है, ये वाला ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा ए बी है वो ए बी स्मॉलेस्ट है, तो ए बी स्मॉलेस्ट, ए बी स्मॉल है मतलब सबसे स्मॉल होगा, ये होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी से बड़ा कौन है, ऑफकोर्स ए बी से बड़ा होगा कौन, सॉरी ए यहाँ है आपका, कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके क्वेश्चन में थोड़ा सलट हो सकता है, इसलिए ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ए बी है उससे बड़ा हमारा बी सी है, ठीक है, ए बी बी सी से बड़ा है, यानी बी सी इज लार्जर देन ए बी, क्यों बी सी लार्जर क्यों है ए बी से, क्योंकि ए बी सबसे छोटा है इस पूरे में, पहले ही बोल दिया कि ए बी स्मॉलेस्ट है, तो यस बी सी, तो बी सी के सामने वाला अगर बी सी सबसे बड़ा है इस दोनों में, ए बी और बी सी में बी सी सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो बी सी के सामने का एंगल भी बड़ा होगा, क्योंकि लार्जर द एंगल, ठीक है, लार्जर द साइड, उसके अपोजिट में जो एंगल है वो उतना लार्जर होता है, तो यहाँ साइड बी सी बड़ा है तो बी सी के सामने का जो एंगल है 1 वो भी बड़ा होगा, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब बोलेंगे फिर से एंगल 1 का क्या मतलब है, अब देखिए तो एंगल बी और एंगल डी जो बना है वो बना किससे है, इसी दोनों से तो बना है, ठीक है। तो चलिए एक बात हुआ ए और सी में, एक बात तो हुआ, दूसरा बात कर लेते हैं इंटर एंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में देखिए, ए सी डी में सी डी के बारे में पता है ना कि सी डी इज लार्जेस्ट, सी डी इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड है तो उसके सामने का जो एंगल होगा वही बड़ा होगा, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, अब सी डी जहाँ ए डी से बड़ा है तो 3, सी डी के सामने का एंगल कौन है, सी डी के सामने का एंगल है 3, 3 इज ग्रेटर देन 4। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, ये एक इनइक्वालिटी का इक्वेशन है, हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने से क्या होगा, देखिए आप एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा वो, और साइन तो वही रहेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए 1 और 3 दोनों बड़ा था, अब उस दोनों बड़ा में दोनों बड़ा बड़ा जुड़ गया, तो ऑफकोर्स दोनों बड़ा बड़ा जुड़ रहा है तो वो भी बड़ा ही होगा उस दोनों से, मान लीजिए 6 था ये 5 था ये 7 था ये 4 था, तो 7 और 6 13 और 5 और 4 9, तो ऑफकोर्स अभी भी, तो 1 प्लस 3 क्या है, 1 प्लस 3 है एंगल ए, 2 प्लस 4 कौन है सी, तो एंगल
ए जो है वो सी से बड़ा हो गया, तो पहला चीज प्रूफ हो गया। पहला यही प्रूफ करना था कि ए ग्रेटर देन सी, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट बी ग्रेटर देन डी, इसको कैसे करेंगे? तो बस यही चीज करना है आपको। मैं ये क्वेश्चन ये पार्ट नहीं बता रहा, ये पार्ट वैसा ही जाएगा, आपको बस एक कंस्ट्रक्शन करना है अलग। इसमें सेकेंड पार्ट में आप क्या कर लेंगे, ये वाला डायगोनल बना के ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बी और डी इस दोनों से बनेगा। अगर सेम कंडीशन लगाएंगे, इसमें सी डी सबसे बड़ा है, इसमें ए बी सबसे बड़ा है, तो इस दोनों बीच में रिलेशन, इस दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आप अपने आप आ जाएगा कि बी जो है वो बड़ा है डी से। तो ऐसे आप करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं आराम से उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। किसी भी बुक का हो वो आप आराम से पढ़िए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।